मनसे महासचिव शालिनी ठाकरे ने शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर को दी वार्निंग। आपको बता दें कि मुंबई के मलाड इलाके में दीवार गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग इस हादसे में जख्मी हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सरकार ने परिजनों को मुफ्त में इलाज और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन शताब्दी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक युवक के पैर में चोट लगी है और उसके पैरों में कांच का टुकड़ा फंसा हुआ है। इलाज न करने की वजह से डॉक्टर उसे डिस्चार्ज दे दिए, जिसकी शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव और महिला अध्यक्ष शालिनी ठाकरे को चला। फिर क्या था, मनसे स्टाइल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शालिनी ठाकरे मुंबई के शताब्दी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर प्रदीप आगरे से मुलाकात की और दोषी डॉक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में इस मामले में कोई लापरवाही न करे। मलाड में गिरे दीवार हादसे में घायलों की उचित इलाज कर हर संभव उनकी मदद करे, अन्यथा मनसे स्टाइल में अस्पताल का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल पर आरोप है कि मलाड में गिरी दीवार में घायल व्यक्तियों की प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते अस्पताल के डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज कर घर भेज रहे थे, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, तो कईयों के हाथ पांव में जख्म अभी भी ताजा है। इसके बावजूद डॉक्टर इन्हें डिस्चार्ज देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यही वजह थी कि शालिनी ठाकरे आज मनसे स्टाइल में शताब्दी अस्पताल पहुंची। डिस्चार्ज मिळालो आणि ते बाहेर देना डॉक्टर्सला तो सांगत होता की त्याचा पायाला मार लागलेला आहे, त्याला दुखतोय, तरी डॉक्टर्सनी त्याला सांगितलं की तू आम्हाला शिकू नको, तू एकदम बरा झालेला आहे, तुला डिस्चार्ज देतो।